Good morning, everyone. Myself Bhakta Gupta from Vivekananda Modern Academy. Welcome back, children, to your EVS classes. So the last video you have read the food we eat, but today we are going to learn about some raw food and some cooked food, and how many glasses of milk should we drink in a day, and how many glasses of water should we drink in a day. So look at the pictures. रॉ एंड कुक फूड, आपको कौन सी फूड्स रॉ और कौन से फूड आपको पका कर खाने चाहिए. सम वेजिटेबल्स हम रॉ भी खाते हैं और सम वेजिटेबल्स हम कुक करके भी खाते हैं. तो हम क्या चीज़ रॉ खाते हैं जिसमें फ्रूट्स और नट्स होता है, और क्या चीज़ हम पका कर खाते हैं उसमें पल्सेस, वेजिटेबल्स, एग्स, मीट, ये सब चीज़ें हम पका के खाते हैं. लेकिन कुछ वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिनको हम पका के और कच्चा दोनों खाते हैं, जैसे ऑनियंस, टमाटो, रेडिश, कैरेट, ये सब क्या है, इनको हम सैलेड में भी खाते हैं और पका के भी खाते हैं. लुक एट द गिवन पिक्चर्स, आप देखिए इसमें एक शयान है और एक मायरा है. ये कुछ, ये मायरा जो है वो कुक्ड फूड खा रही है और शयान जो है वो रॉ खा रहा है. तो ये इसमें आपको दिखाया गया है, आप देखिए. अब मैं आपको बताया कि रॉ हम क्या खा सकते हैं और कुक्ड क्या खाते हैं. ओके, नाउ जंक फूड, ये बताइए हमें जंक फूड खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए. क्यों? क्योंकि जंक फूड आइटम आर बैड फॉर आवर हेल्थ. जंक फूड आइटम जो होते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए ख़राब होते हैं. वी शुड अवॉइड ईटिंग टू मच फॉर ऑफ देम, हमें इन्हें अवॉइड करना चाहिए. जंक फूड होते कौन कौन से हैं? जंक फूड होते हैं चॉकलेट, चिप्स, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए. ओके, नाउ लेट अस लर्न सम गुड ईटिंग हैबिट्स, हमें अपने खाने के समय कुछ अच्छी आदतों को लाना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए. कौन कौन सी अच्छी आदतें आपको फॉलो करनी चाहिए? वी शुड वॉश अवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर हैविंग आवर मील्स, हमें हमेशा खाने के पहले और खाने के बाद अच्छी तरह से हाथ धोना चाहिए. हाउ मेनी टाइम्स डू वी हैव वॉश योर हैंड्स? 2 times, खाने से पहले और खाने के बाद. वी शुड च्यू अवर फूड स्लोली, वी शुड नॉट टॉक व्हाइल ईटिंग, वी शुड ईट ऑल आवर मील्स ऑन टाइम, हमें हमेशा खाना चबा के और धीमे धीमे खाना चाहिए. खाने के समय में बात तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और खाना हमें प्रॉपर टाइमली खाना चाहिए. वी शुड वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रॉपरली बिफोर ईटिंग देम, हमें खाने से पहले अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल को धो लेना चाहिए. वी शुड ईट हेल्दी फूड आइटम्स, हमें हमेशा हेल्दी फूड्स खाना चाहिए, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल, पल्सेस, मीट एंड नट्स, हमें इनको खाना चाहिए और जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए. वी शुड ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, हमें बहुत सा पानी पीना चाहिए. वी शुड टेक ओनली एज मच फूड इन आवर प्लेट एज कैन वी ईट, हमें उतना ही खाना अपने फूड प्लेट में लेना चाहिए जितना की ज़रूरत हो, जितनी की हमें आवश्यकता हो. वी शुड नेवर वेस्ट फूड, हमें फूड को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए. ये चीज़ बहुत ही मस्ट है, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि उतना ही खाना आप लीजिए जितना आपको खाना हो, खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए. ओके, तो हमें ये जितनी भी मैंने आपको गुड हैबिट्स बताई हैं, इसको अपने आप फूड ईटिंग जब आप करते हो तो इसमें आपको इसको फॉलो करना है. सबसे हाथ धोना है खाने से पहले, खाने के बाद, खाने के समय बात भी नहीं करनी है बिल्कुल भी. खाने की चीज़ों को सबसे पहले धोना है, प्रॉपरली टाइमली खाना है, और खाने को धीरे धीरे चबा के खाना है, और हमें पानी भी बहुत सारा पीना है. ओके, तो नाउ अब हम कुछ एक्सरसाइज आपको बता रहे हैं जिनको कि आपको बुक में करनी है. राइट वाई फॉर यस एंड एन फॉर नो, अगर आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से रीड किया है, समझा है, तो आप ये एक्सरसाइज बहुत ईजिली कर लेंगे. वी ईट 5 important meals इन अ डे, क्या 5 important meals होती हैं जिनको कि हम दिन में 3-5 बार करते हैं? नो, हम कितने बार करते हैं? 3 बार, लंच, ब्रेकफास्ट एंड डिनर. तीन सेंटेंस क्या है? नो, वी शुड अवॉइड ईटिंग जंक फूड आइटम, हमें हमेशा जंक फूड आइटम अवॉइड करने चाहिए ना. तो ये सेंटेंस यस. वी गेट सीरियल्स एंड पल्सेस फ्रॉम एनिमल्स, हमें अनाज और दालें एनिमल से मिलती हैं? नो. वी शुड ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, यस. ऑनियन कैन बी ईटन बोथ रो एंड कुक, यस, हम ऑनियन को दोनों तरीके से खा सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर बी, नंबर द गिवन पिक्चर्स इन द करेक्ट सीक्वेंस, इसको आपको करेक्ट सीक्वेंस में नंबरिंग करनी है. सबसे पहले हम कोई भी चीज़ लाते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो उसको वॉश करते हैं, तो नंबर 1. सेकेंड, हम उसको फ्रिज में लगा देते हैं ठंडा होने के लिए. एंड थर्ड, हम उसको काटते हैं. देन फोर्थ, हम उसको खाते हैं. तो आपको इसी से जैसे मैंने नंबरिंग की वैसे ही आपको देख के बुक में करना है. एंड नेक्स्ट
See exercise, write P below the food items that we get from plants and A below the ones that we get from animals. इसमें आपको मैंने आपको जब प्लांट्स जब बताया था कि फूड प्लांट्स और एनिमल्स दो जगह से मिलता है, तो मैंने कहा था आप अच्छे से इसको लर्न करिए, एक्सरसाइज करनी है. देखिए अभी एक्सरसाइज आपको उसी बेस पे करनी है, जो हमें प्लांट से मिलते हैं उनके नीचे पी और जो एनिमल से मिलते हैं उसके नीचे ए लिखना है. और मैंने यहाँ पर फिल भी कर रखा है, एग एनिमल्स आइसक्रीम एनिमल्स मैंगो प्लांट्स चीज़ एनिमल्स टमेटो प्लांट्स और चीज़ एनिमल्स. इसको आपको बुक में अच्छे से करना है. फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल